माय गॉड, ओ माय गॉड, बच गए बच गए बच गए। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है यार, ये यहाँ पे बीच में स्लो क्यों हो रही है? बाबा जी बस ऐसे ही चलती रहे, मेरे को बहुत डर लग रहा है। और हमारा ग्रुप आगे चला गया है अलग अलग चेयर कार्स में। ये देखो पढ़ेंगे, मैं नहा के तैयार बैठा हूँ, कपड़े पहनने। सच्ची में? सच्ची में। आप भी ना लिए? इधर दिख रही है तो इधर भी, साइड में होके फोटो खींच रही है। ये देखो ये बना रहे हैं, ये देखो इन लोगों को फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं आ रही है। ये तो जरूर डालना, ये बुरा हमारा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में खुश होंगे। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्रोल ब्रॉक। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग होली आए हैं घूमने के लिए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा स्नो है। ये मेरे रूम के बाहर का नजारा है, आप ये देखिए कितना ज्यादा स्नो है। ऊपर मेरे रूम से ही सामने वो पहाड़ जो दिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल सामने ही दिखते हैं। और देखिए आप कैसे बर्फ की बिल्कुल चादर ओढ़ी हुई है पहाड़ों ने, और इतना सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू सुबह सुबह। बहुत गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंड भी नहीं लग रही है। कल रात को स्नोफॉल भी हुआ है यहाँ पर, रात को स्नोफॉल हुआ तब थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, तब हमने बॉनफायर भी किया था और बहुत मस्ती भी की थी। अभी हम सब सोके उठे हैं, अभी कोई नहाई धोई नहीं खाती हूँ। चलिए आइए एक बार ऊपर का भी थोड़ा सा। ये मेरे रूम से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो वहां का नजारा है, बाहर का तो मैंने दिखा ही दिया है आपको, जैसा कि आपने देख ही लिया बाहर का नजारा। अब ये मेरे रूम से ऊपर का नजारा देखिए आप, ये देखिए हर तरफ बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और जब रात को स्नोफॉल हुआ तब भी बहुत मजा आ रहा था और अभी भी बहुत, बट ये बहुत हार्ड है और बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए इधर से आए थे, ये रास्ता है यहाँ का और बहुत अच्छा व्यू है। आप लोग आइए, बहुत मस्ती होती है। मैंने अपने कल वाले वीडियो में आपसे भैया की बात कराई थी, अभी यहाँ पे स्नो पड़ेगी। आज भी कह रहे हैं स्नो का है कि आज भी स्नोफॉल हो सकता है और बहुत ठंडी है। चलिए तो अभी हम ऊपर जाएंगे और स्केटिंग वगैरह जो भी होगा वहाँ पे वो सब करेंगे। यहाँ से पॉइंट नंबर 10 है, वहाँ तक जाना है, वहाँ जाना बहुत अच्छा है कह रहे हैं सब, इससे तिगुनी बर्फ मिलेगी या चौगुनी। तो वहाँ चलेंगे, वहाँ चल के आपसे मिलते हैं और वहाँ करते हैं खूब सारी मस्ती और धमाल। चलिए तो फिर वहीं चलते हैं और वहीं मिलते हैं आपसे। ये देखो ये सारे फोटो के लड़ रहते हुए मस्ती करते हुए, इन सबको अपनी फोटोज खिंचानी है, सारे के सारे बर्फ में उतरे हुए हैं जबकि ऊपर बर्फ में जाना है, लेकिन इनको फोटोज यहीं खिंचानी है। वो दो प्राणी उधर पीछे, वो दो प्राणी पीछे, ये दो प्राणी यहाँ, आधे प्राणी नहा रहे हैं। ये देखो लड़ाई है इनकी। फ्रेंड्स तो हो गए हैं रेडी, अब हम जा रहे हैं ऊपर स्कीनिंग वगैरह के लिए और मिलते हैं। ये देखो आप, ये देखिए तो चल रहे हैं हम लोग। अरे यार बस गिर नहीं जाए, बहुत डर लग रहा है, कल भी मैं स्लिप हो गई थी इस पे। सारे के सारे चले गए ऊपर। वो हमारी गाड़ी खड़ी है ऊपर, सारे के सारे उसमें से सामान निकाल रहे हैं और आगे झरना बह रहा है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है तेज वाली, मे भी आप लोगों को सुनाई दे रही हो। बस मेरे को डर लग रहा है, मैं वीडियो तो बना रही हूँ कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। और बहुत ठंड है, सांसें फूल रही हैं। ये देखो ये झरना नहीं है, ये तो नहला जाए इससे, मतलब इतना छोटी सी में से पानी निकल रहा है, बर्फ पिघल रही है उसका। ओह ये बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ से बर्फ, सिर्फ बर्फ। ये सारे के सारे चिल्लाते हुए अभी ऊपर जाके आपको मिलवाती हूँ सबसे अगेन। ये देखो ये हमारा घर, होम स्टे जहाँ हमने स्टे किया। बोल दो जय, बोलो भाई जय 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 जय। तो चल दिए हम लोग तैयार होके, सबको ठंड बहुत लग रही है। तो मजा आ रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है अभी, सच में बहुत मजा आ रहा है। हाँ यार मैंने बोला था मैं ये स्वेटर पहनूंगी, इसके साथ पिंक वाला स्वेटर पहन लेती हूँ लेके जाते हुए। बता रही है अभी फोन आया था 9 बजे, बहुत तगड़ी धुंध है कि मेरे को अगल बगल के नहीं दिख रहा सुबह का। ये व्यू तो पहाड़ की साइड से उतरेगा ना, साइड वालों की स्किट मारेगी। गियर में या अपन जूम है, फुल जूम। जय भोले शंकर।
हम शूज ले रहे हैं लेकिन अब हमें पिंक कलर का चाहिए हम गर्ल्स को। भैया कौन से कलर की चाहिए? पिंक कलर। पिंक कलर तो भैया दिखाओ, पिंक कलर दिखाओ जल्दी से। पिंक कलर आपको? यार ये पिंक नहीं है। पिंक है यार, ठीक है ये भी अच्छा लगेगा। ये हाईलाइटिंग वाला पिंक है। हम लोग शूज ले रहे हैं और भैया बोल रहे हैं एक साइज बड़ा ही लेना बिकॉज ये बर्फ में छोटे हो जाते हैं और यहाँ पे कम रेट में मिल रहे हैं शूज, ऊपर आपको महंगे मिलेंगे, तो इसलिए हम सब शूज यहीं से लेकर जा रहे हैं, ये बूट्स यहाँ वाले, और हमारे यहीं इसी शॉप पर उतार के जाएंगे हम लोग अपने शूज, वापस आके यहीं से लेंगे ऊपर जाने के टाइम पे। देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ पे आपको इस टाइप के टेंट मिल जाएंगे जिसमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं, बट बहुत ठंड लगती है। हमने कल सोचा था करने की, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हमने कैंसिल करके चेंज करके और रूम्स ले लिए थे, और आप व्यू देख ही रहे हैं, बहुत गजब व्यू है। और वहाँ ऊपर तक हमें पैदल जाना है, वहाँ से हमें चेयर कार मिलेगी। सारे जय माता दी और हनुमान जी की जय बोलते हुए चढ़ गए हैं, मैं अकेली पीछे पहुंच चुके हो। ओली अभी हमारे यहाँ हाइट है 7000, जब आप ऊपर जाओगे तो हाइट हो जाएगी 10000। ओके, और ये ट्रैक डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, यहाँ से अगर आप रोप वे लेते हो तो हाफ हो जाएगा 3 किलोमीटर। ओके, और आप पहुँच जाओगे 10000 फीट पे, और ये है गरसू बुग्याल, लास्ट में एंड में पहुंचना है गरसू बुग्याल, 10 नंबर के बाद स्टार्ट होता है। हाँ 10 नंबर पे। ओके, वेलकम टू स्नो सिटी ओली। थैंक यू, लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं सारे के सारे। कहीं फंस गए तो लेने आएंगे। हाँ जी जरूर, थैंक यू। हाँ जी, तो अब हम चल दिए हैं ऊपर, अभी भैया से हमने आपको पूछवाया, बैक का व्यू आप देख ही रहे हैं, ग्लव्स वगैरह ले लिए हैं, बहुत ठंड लग रही है, और मेरे चश्मा लेके भाग गए हैं दोस्त। हम यहाँ से चेयर कार लेंगे और चेयर कार से 10 नंबर पॉइंट पे जाएंगे, जो भैया अभी बता रहे थे हम लोगों को, हम वहाँ जाएंगे अब चेयर कार पर, और चेयर कार से हम 10 नंबर पॉइंट पर जाएंगे, वहाँ मस्ती करेंगे खूब सारी, और बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ वीडियो में, और आपको ऊपर की मस्ती का भी मज़ा दिलाते हैं। ये आ गया है वेलकम टू SKI रिसोर्ट ओली। अब यहाँ से हमें लिफ्ट मिलेगी और लिफ्ट से फिर हम जाकर और वो बुक करेंगे अपनी चेयर कार, तो चेयर कार हमें 800 मीटर के पॉइंट तक लेकर जाएगी, फिर 800 मीटर से हम लोग पैदल जाएंगे 10 पॉइंट तक, वहाँ जाकर जो भी एडवेंचर्स हैं वो करेंगे, हिम्मत बची तो। और अब हम पहुँच गए हैं, ये हम पहुँच गए हैं यहाँ लिफ्ट के पास, ये लिफ्ट ऊपर तक जाती है थोड़ा, बस इसी के पीछे हमें चेयर कार का मिलेगा और हम ऊपर जाएंगे। चेयर कार का मिलते ही बस चेयर कार जहाँ यहाँ इसके जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे मिलेगी, और फिर ये देखिए आप व्यू, ये ओली एडवेंचर सेंटर है, ये अब से टिकट के लिए लेते हैं, और वो सामने आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए हम वे टू चेयर लिफ्ट के लिए जा रहे हैं, पूरा दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ जाएंगे। ये रास्ता है चेयर लिफ्ट के लिए, बस चढ़ते जा रहे हैं, हाँ थक गए हैं बहुत ज़्यादा चलते चलते यार, क्योंकि पहले ही बर्फ में ना सांस लेने में दिक्कत होती है, और हम बहुत ऊपर हैं, हाइट पर हैं, तो बहुत दिक्कत वैसे भी हो रही है हमें। देखिए टिकट लेने आए हैं, टिकट वाले भैया भी गायब हैं बिकॉज ऑफ कि वो वहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ हम पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से हम चेयर कार लेंगे, यहाँ से मिलेगी, और अभी अपन बात करते हैं हम भैया से, वो भैया बताएंगे अपने को, पूरी डिटेल्स लेते हैं और क्या क्या चीज़ है ऊपर, कहाँ कहाँ तक हमें जाना है, इस चीज़ की डिटेल लेके आपको बताती हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, अब रुकिए आप। हाँ जी भैया बताइए। कितना टिकट है भैया इसका चेयर कार का? 500। आना जाने का? 500 है ना? ओके, और टाइमिंग? साढ़े तीन, 3 बजे तक है ना? चलिए ठीक है, अब ये भैया आ गए, अब हम यहाँ से टिकट लेंगे और फिर चलते हैं चेयर कार से ऊपर और दिखाते हैं आपको नज़ारा आगे का। तो गाइस ये हमने टिकट ले ली है और ये चेयर कार हमारी आ गई है, अब हम इस चेयर कार से ऊपर जाएंगे। ऊपर का मैं इस पर व्यू नहीं बनाऊंगी बिकॉज वो कह रहे हैं फ़ोन ऊपर से गिर सकता है, फिर भी अगर देखती हूँ अगर कोई बनाने वाला होता है और अब बना देते हैं तो चलते हैं। चलिए अब यहाँ लाइन में लगेंगे और अपनी टिकट से हम अंदर एंट्री लेंगे।
गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऊपर की मस्ती आपको कल दिखाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अरे इधर से आजा, इधर से आती बीच में चले गए ऊपर पैदल। यार देखे भी नहीं रहे हैं वो, के वो जा रहे हैं तीनों के तीनों, ये जा रहे तीनों।